काम कर सकती हैं। चार पांच साल पहले की बात है, मैं एक बार पंचकुला में रुका हुआ था। एक बार पंचकुला में रुका तो एक बहन आई रात को, कोई 10-11 बजे की बात है, मैं किसी के घर पे रुका था, उसने मेरा हाथ चेक किया कि भाई साहब आपके हाथ के रगड़ी बंधी है। मैंने कहा मेरी तो रगड़ी नहीं बंधी है। मैंने कहा क्या करना है? कहते अभी अभी टेलीफोन आया है, जो ये बहन अपने भाई के हाथ से रगड़ी नहीं खोलेगी उसके भाई मरेंगे, उसके भाई मरेंगे। मैंने कहा मैंने तो रगड़ी बांधी नहीं है, दिन में रक्षा करी भाई की, रक्षाबंधन बांध करके दिन में रक्षा कर दी भाई की, मिठाई खाई, मिठाई खाई, पैसे लिए। रात को 11 बजे फोन आ गया कि भाई अगर रखड़ी नहीं खोली सारे भाई मरेंगे। कोई नहीं मरा, लेकिन सारे देश की रखड़ियां 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक सारे देश की रखड़ी खुल गई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ना रात को अखबार बड़े आए, ना टीवी बड़े आए, ना चैनल बड़े आए, ना हमने जाकर कहा, पर 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की सारी रगड़ियां खुल गई। इतनी बड़ा चैनल इनका हमारी बहनों को, इतना बड़ा सिस्टम इनके पास है। आपने इलेक्शन से एक दिन पहले, जब इलेक्शन आएगा वोट आएगा, एक दिन पहले फोन करना है अपने सब रिश्तेदारों को, अपने घरों में फोन करना है, सब रिश्तेदारों को फोन करना है, सबके पास फोन है। क्या फोन करना है कि कल को वोट होगा, हाथी वाला बटन दबा देना नहीं तो सारे मरेंगे, हाथी वाला बटन दबा देना नहीं तो सारे मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। ये टेलीफोन करना पड़ेगा क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, 400 वाला सिलेंडर 800 का हो गया, रोजगार है नहीं, नौकरी है नहीं, जो लगाए गए थे हटा के रख दिए हैं, सारे महकमे खत्म सरकार कर रही है, नौकरी दे नहीं रही है, 5 करोड़ की बात चली गई, आज काला धन वाला कोई नहीं आ रहा है। इसलिए ये बात मैं बहनों से कहूंगा, जितना प्रचार हमारी बहन कर सकती है उतना प्रचार एक महिला कर सकती है, उतना प्रचार हमारा पुरुष नहीं कर सकता है। महिला चुप नहीं बैठती है, जहां भी जाएगी बोलती रहेगी। बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, आपस में अगर दो महिलाएं जा रही ना, चाहे वो एक ही गांव से एक ही घर से है, आपस में बात कर लिया करो, भाई इस बार आपके गांव में किसकी वोट पड़ेगी, और बैठे बैठे दूसरी ने कह देना हाथी वाले का जोर हो रहा है, हाथी वाले का जोर हो रहा है, चाहे आपस में नंद और चाहे दराणी जठानी बैठी है, किसी को क्या पता कौन बैठी है। आप ये कहो भाई किसकी जोर हो रहा है आपके इलाके में, हाथी वालों का बहुत जोर हो रहा है। ये हवा कैसे बढ़ती है, ये प्रचार कैसे होता है। आप मैं भाइयों को भी कहूंगा, कर्मचारियों को जो ट्रेन में बैठते हैं, युवाओं को कहूंगा, आप कहीं बस स्टैंड पे खड़े हैं, कहीं आप साथियों रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, कॉलेज में खड़े, कहीं खड़े हैं, आप इसमें चर्चा करो भाई, बीजेपी तो जाएगी, बीजेपी तो खत्म, आगे बीजेपी नहीं आएगी, कौन आएगा भाई। इस बार हमारे इलाके में तो चर्चा सारे करे, बीएसपी आएगी, इस बार तो बीएसपी आएगी, इस बार तो बहुजन समाज पार्टी आएगी। जैसा हमारा प्रचार होगा वैसा साथियों हमारी पार्टी आगे बढ़ने का काम करेगी। इसलिए हरियाणा प्रदेश के सारे गांव-गांव में हम लोग जाने का काम करेंगे, और माननीय बहन जी 15 मार्च को हरियाणा प्रदेश में आएगी एक बड़ी महारैली हम करने जा रहे हैं। इतनी बड़ी महारैली होगी कि जहां भी होगी वो शहर रैली के बीच में होगा, रैली शहर में नहीं होगी, शहर रैली के बीच में होगा।